नमस्कार सभी को, मैं हूँ नेहा। स्वागत है आपका नेहा एडुकेटर चैनल पर। तो आज हम जो वैकेंसी निकली है दिल्ली के अंदर एनटीटी की, पीआरटी की, तो इसमें डिटेल में हम देखने वाले हैं किस तरीके से जो पूरी क्वालिफिकेशन वगैरह, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एग्ज़ाम कहाँ होगा, फ़ीस क्या होगी, सिलेबस क्या है, सिलेबस में क्या आने वाला है, ये सभी चीज़ें हम देखने वाले हैं। और इसके अलावा ये महत्वपूर्ण चीज़ कि जो आपका इंस्टीट्यूट है जहाँ से भी आपने जो अपना डिप्लोमा किया है वो कौन से इंस्टीट्यूट से जो है मान्यता उनको होनी चाहिए, ये सभी बातें भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये बात कि आज जो है आज से आपके फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं, एप्लीकेशन फॉर्म, तो आज से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपकी वैकेंसीज़ के बारे में है कि किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी निकली है। तो चलिए पहले स्टार्ट देख लेते हैं कि आपकी जो एलिजिबिलिटी है, जैसे पीआरटी के अंदर जो दे रखा है कि एनसीटी से मान्यता प्राप्त जो है आपका इंस्टीट्यूट होना चाहिए, इसमें एक ये चीज़ भी है, लेकिन एनसीटी का नाम जो है आपके एनटीटी के अंदर नहीं है, क्योंकि ये वीडियो जो है एनटीटी वालों के लिए स्पेशली मैंने बनाया है। तो सबसे पहले देख लेते हैं एनटीटी का। हाँ, तो जो एनटीटी में जो आपने देख लिया होगा कि किस तरीके से सारी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको देखने को मिल रही है, सॉरी प्राइमरी का ही है, एक सेकेंड। हाँ भाई, कितनी वैकेंसीज है, तो इसमें आप ये ज़रूर देख लें कि जो क्वालिफ़िकेशन है वो क्या क्या होने चाहिए। तो आपको जो है ट्वेल्थ के अंदर आपके 45% जो है आपके मिनिमम होने चाहिए, ठीक है, 45% आपके मार्क्स जो है चाहिए होंगे इसमें, 45 से कम है तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। इसके बाद है जो आपने डिप्लोमा जो किया है एनटीटी का, वो जो है एक इंस्टीट्यूट से मान्यता प्राप्त होना चाहिए, रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से मान्यता प्राप्त होना चाहिए। इसके लिए अलावा कोई भी ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं दे रखी है, फिर कोई स्पेशल नाम नहीं दे रखा कि इस से अगर मान्यता प्राप्त होगा, जैसे और जैसे राज्यों में, कईयों में, राजस्थान में और चंडीगढ़ में जो वैकेंसी निकली है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि एनसीटी से मान्यता प्राप्त होगी, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, तभी जो है आप एलिजिबल होंगे। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, अगर आप एनसीटी दिल्ली से मान्यता प्राप्त है, चाहे एनसीटी से मान्यता प्राप्त है, आप यहाँ पर एलिजिबल है, आप आराम से भर सकते हैं। इसके अलावा ये है कि जो आप मस्ट हैव पास्ड हिंदी एट सेकेंडरी लेवल, तो आप सभी को पता है सेकेंडरी लेवल टेंथ होता है, टेंथ तक आपने जो है हिंदी जो है आपका एक सब्जेक्ट हो जिसमें आपने पास कर रखा हो। तो हालांकि सभी जितने भी कैंडिडेट्स हैं उन सभी के पास जो है हिंदी रही होगी, उन्होंने पास भी किया होगा, तो आप इसके लिए एलिजिबल है। इसके अलावा जो एक्सपीरियंस है वो कुछ नहीं मांगा है, ना तो डिज़ायरेबल है ना एसेंशियल है। अब जो पे स्केल की बात करें तो 42 जो है आपको ग्रेड पे देखने को मिल रही है यहाँ पर, 4200, ठीक है, तो काफ़ी अच्छा जो आपको यहाँ पे वेतनमान भी मिल रहा है। तो अगर कंपेयर करें और अदर जो स्टेट हैं या फिर इंडिया में कहीं से भी कंपेयर करें तो दिल्ली में काफ़ी अच्छा जो है सैलरी पैकेज जो है दिया जाता है। अब बात कर लेते हैं एज लिमिटेशन का, तो 30 साल से ऊपर आपकी जो है एज नहीं हुई हो, और लेकिन जो गेस्ट टीचर और कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर जो दिल्ली में है उन गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर, तो उन लोग उनको जो है एज का रिलैक्सेशन ज़रूर दिया जाएगा, उनको आयु में छूट दी जाएगी, लेकिन उनका जो उनका जो एक्सपीरियंस है वो कम से कम 120 दिन का होगा ना, तभी ये उनको छूट दी जाएगी। और साथ में ये भी है कि उन्होंने इसका लाभ पहले वाली कोई वैकेंसी निकली हो उसमें नहीं लिया हो, तभी आपको ये पूरा लाभ जो है दिया जाएगा, तो ये आप ज़रूर जान लें। तो अब मैं ये मानती हूँ कि आपको जो क्वालिफ़िकेशन है उसके अंदर आपको कोई भी क्वेरी जो है नहीं रही होगी एनटीटी में जो आप फॉर्म फिल करने जा रहे हैं। तो मैंने सब कुछ बता दिया है कि एनसीटी दिल्ली गवर्नमेंट से अपने से मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से डिप्लोमा किया हो चाहे किसी अदर से किया हो, लेकिन आपका जो इंस्टीट्यूट है वो एक वैलिड होना चाहिए, अपने गलत तरीके से डिग्री नहीं ली हो तो एकदम वैलिड होगा जो भी डिप्लोमा है। अब इसके अलावा इंस्ट्रक्शन में बता देती हूँ कि जो आपका ये जो एग्ज़ाम होने वाली है वो आप सभी को पता है कि ये दिल्ली के अंदर ही होगी, कोई अदर आपको कहीं दूसरे स्टेट में जो इसका एग्ज़ाम सेंटर देखने को नहीं मिलेगा। तो आप एग्ज़ाम फॉर्म भरने से पहले जो भी अदर स्टेट के कैंडिडेट्स हैं तो वो आप ज़रूर जान लें कि जो एग्ज़ाम जो है आपको दिल्ली में ही होगी, और दिल्ली भी जाना पड़ेगा आपको एग्ज़ाम देने के लिए, ठीक है।
और इसके अलावा जो एस सी एस टी ओ बी सी चाहे से वो अभी ई डब्ल्यू एस का जो नया आरक्षण मिला गया है उन वो उन्हीं लोगों को मिलेगा जो दिल्ली के रहने वाले हैं, और जो अदर कैंडिडेट्स हैं वो जनरल के अंदर काउंट होंगे। ये आप सभी को पता होगा, इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया था, जो भी अदर स्टेट में अप्लाई करते हैं उनके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जानने के लिए, तो मैंने इस वीडियो में भी बता दी है। इसके अलावा जो एसेंशियल चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट की आपको रखनी होगी, जैसे आपका आधार कार्ड जो है ओरिजिनल होना चाहिए, इसके अलावा फ़ोटो वगैरह, और जो अपने जैसे आप अप्लाई करते हैं ऑनलाइन प्रोसेस कर लिया आपने पूरा एप्लीकेशन फिल कर दी, उसके बाद जो प्रिंट आउट ज़रूर निकला लें, क्योंकि अब जैसे आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको वो जो आपने अप्लाई किया था वो अब ज़रूर लगेगा, तभी आपको जो है नौकरी मिल पाएगी। तो आप उसका प्रिंट आउट और जो अगर आपने फीस पे की है, क्योंकि फीस जो है जो छूट भी मिली है फीस में, तो किन किन लोगों को मिले हैं, तो वुमन जो महिला है उनको फीस नहीं देनी। इसके अलावा जो एस टी एस सी के जो कैंडिडेट्स हैं और जो फिजिकली हैंडीकेप्ड है उनको, और जो एक्स सर्विस मैन हैं उनको फीस नहीं देनी है, और जनरल ओबीसी के जो मेल कैंडिडेट्स आप मान सकते हैं उनको जो है आपको फीस देनी होगी। तो फीस देने के लिए आपको आगे जो पूरा प्रोसेस है वो बताया गया है किस तरीके से जो आप फीस पे में कर सकते हैं। अब एग्जामिनेशन स्कीम अब देख जो है देख लेते हैं, तो इसमें बताया गया है कि जब आपका एग्ज़ाम जो होगा वो दोनों बाइलिंगुअल हिंदी इंग्लिश दोनों में आपका पेपर आएगा, तो ये पहले बता दिया गया है। बाद में आकर एग्ज़ाम के बाद कुछ आता है कि मेरा जो है री इवेल्युएशन हो या फिर री चेकिंग हो, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। तो ये था इम्पोर्टेंट, और इसके अलावा जो एक इम्पॉर्टेंट ये है तो ये सिलेबस है, हालांकि सिलेबस को डिटेल में डिस्कस करेंगे लेकिन आप एक बार देख सकते हैं। तो पार्ट वन और पार्ट बी में आपका एग्ज़ाम होगा, मतलब पेपर में आएंगे पार्ट वन और पार्ट बी, ठीक है। इसके अलावा जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो ये तो है ही, आप सभी को पता है कि कैंडिडेट जो आपका इंडिया का होना चाहिए, और जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो ऊपर दी गई है वो सभी होनी चाहिए, और रिजर्वेशन का मैंने बता ही दिया है। अब इसके अलावा जो एज रिलैक्सेशन दिया गया है वो एस सी एस टी को जो है 5 साल का है, ओबीसी का 3 साल का है, मतलब 33 साल तक दे सकते हैं ये 35 साल तक एस सी एस सी वाले, और पी एच को 10 साल तक का है, तो ये आप देख सकते हैं। और जो कॉन्ट्रेक्चुअल का है, जो भी कॉन्ट्रेक्चुअल में काम कर रहे हैं वहाँ पे, जो दिल्ली की गवर्नमेंट स्कूल के अंदर गेस्ट टीचर के तौर पर काम कर रहे हैं, जो कि जनरल से जनरल के अंदर आते हैं, तो उन लोगों को भी जो है रिलैक्सेशन दिया गया है, तो आप देख सकते हैं। लेकिन वो भी ये बात ज़रूरी है कि 120 दिन का जो है उन्होंने वर्क एक्सपीरियंस उनका हो, तभी आपको जो है छूट मिल पाएगी। तो ये लिखा हुआ है यहाँ पे, और ये 5 साल तक का है, इसमें मैक्सिमम पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। और ये भी आपका एकेडमिक ईयर में ही 120 दिन होने चाहिए, ऐसे नहीं कि आपने 2 साल के अंदर 120 दिन कर रखे हों। जैसे 18 से 19 का एक पूरा सेशन चला तो उसमें ही आपके 120 दिन होने चाहिए, ना कि आप 18 19 का या फिर 17 18 दोनों को मिला के 120 हो। तो आपका ये क्लियर हो गया होगा। अब जो है यहाँ पे जो सिलेबस के बारे में किस तरीके से दिया गया है, तो ये दोनों ही के लिए सेम सा है पैटर्न। तो यहाँ पे जो फर्स्ट पार्ट होगा, पहले तो ये देख लेते हैं कि क्वेश्चन ऑफ नंबर आपको कितने मिलेंगे, तो 200 मिलने वाले हैं, ठीक है, और 200 ही क्वेश्चन होंगे, 200 ही नंबर के होंगे वो। तो पहले पार्ट में आपको जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग और हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज आपको देखने को मिलेगी। पार्ट बी में आपको जो है आपका जो सब्जेक्ट कंसर्न है वो आएगा, ठीक है, तो वो 100 नंबर का आएगा, और ये दूसरा पार्ट जो है वो जेई का है, आपके काम का नहीं है।
आपको जो दोनों पार्ट है ए और बी दोनों सेपरेटली आपको जो है क्वालिफाई करने होंगे, मतलब 45-45% के आसपास आपको नंबर, 40-40 नंबर आप दोनों में लाएंगे तभी आपका जो है पेपर आगे चेक होगा। अगर आप एक पेपर में भी आपके 39 या फिर आपके जो अंडर 40 के अंदर आते हैं तो आपका जो है पेपर क्वालिफाई नहीं हो पाएगा और आपका पूरा चेक नहीं होगा पेपर और आपके मार्क्स नहीं आएंगे। तो आपको दोनों को पार्ट को जो है, दोनों पार्ट ए और बी है उन सेपरेटली उनको पास करना होगा तभी आपका जो है आगे। और उसके अलावा जो है नेगेटिव मार्किंग भी जो है 0.25 है, तो आप नेगेटिव मार्किंग का ज़रूर ध्यान रखें। इसमें नो नेगेटिव मार्किंग ना होकर के इसमें नेगेटिव मार्किंग है, 0.25 है। और ये आपका सिलेबस है, जनरल अवेयरनेस में क्या क्या आपको देखने को मिलेगा, ये करंट इवेंट्स, तो करंट अफेयर तो आना ही है आपके। और इसके अलावा जो है आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, ये स्पोर्ट्स, कल्चर, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स के अलावा एवरीडे साइंस और साइंटिफिक रिसर्च, नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंस्टीट्यूट, ये सभी चीज़ आपको जो है जनरल अवेयरनेस के अंदर देखने को मिलेगी। इसके अलावा जो जनरल इंटेलिजेंस या फिर रीजनिंग के बारे में बात कर लेते हैं, तो रीजनिंग आप सभी को पता है सभी में जो सिलेबस है वो सेम रहता है, फिर भी एक बार जिसमें दिया गया है जो क्वेश्चन ऑफ एनालॉजी के रहेंगे, सिमिलरिटीज़ के, डिफरेंसेस के, स्पेस के, विजुलाइजेशन और ये प्रॉब्लम सॉल्विंग, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट और अर्थमेटिकल रीजनिंग, वर्बल रीजनिंग और ये क्लासिफिकेशन अर्थमेटिकल, ये सारे जो है रीजनिंग के पार्ट रहेंगे आपके। इसके अलावा अर्थमेटिक न्यूमेरिकल एबिलिटी, तो इसमें जो क्या क्या आने वाला है वो भी आप देख लेते हैं, नंबर सिस्टम आने वाला है इसमें और सिंप्लीफिकेशन, डेसीमल और इंटरप्रिटेशन और डिस्काउंट, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, मेंशुरेशन, टाइम एंड वर्क, डिस्टेंस, टेबल्स एंड ग्राफ्स, तो ये सभी आएंगे मैथ्स के अंदर। इसके अलावा हिंदी और जो इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के अंदर जो है आपको क्या देखने को मिलेगा, तो दोनों में कह सकते हैं कि जो हिंदी लैंग्वेज के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे वोकैब बेस्ड होंगे, और इसके अलावा वोकैब बेस्ड होने के साथ ही ग्रामर आपको देखने को मिलेगी, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनिम, एंटोनिम, इट्स करेक्ट यूसेज, ईटीसी। और तो ये आपका पार्ट ए का, ठीक है, ये पार्ट ए का आपका जो है सिलेबस है, और पार्ट बी में आपका क्या आने वाला है तो अभी इसमें इतना देर का है, इसका मैं पूरा डिटेल में आपसे शेयर करूँगी। और इसके अलावा साथ में ये बता दूँ जो दिल्ली का जो एनटीटी का पेपर है वो मैंने जो है अपलोड कर दिया है, पूरा सोल्यूशन आपको मिल जाएगा, सो आप देख सकते हैं। और उसके अलावा जो प्रिपरेशन एनटीटी की DSSSB एनटीटी प्रिपरेशन जो स्टार्ट हो चुकी है, तो आप जो है क्लासेस डेली ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा जो है तैयारी है वो डेली बेसिस पे चलती रहेगी, साथ में चंडीगढ़ की जो एनटीटी की अगर आपने फिल किया है तो दोनों की जो है कंबाइंड ही क्लास जो होती है वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि जो सिलेबस है वो एक समझ सकते हैं कि काफ़ी जो है सिमिलर है, लेकिन जो आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो वेरी कर सकते हैं किए हुए हैं, क्योंकि इसमें आपको 200 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, जबकि चंडीगढ़ एनटीटी के अंदर जो है आपको 150 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं, बस इतना सा फ़र्क है। और जो सिलेबस है वो क्वाइट सिमिलर है, तो ये आप बात ज़रूर ध्यान रखें। लेकिन सबसे ख़ास बात ये है कि जो आप दिल्ली के अंदर आप अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको जो है कोई अगर आप स्पेशल कैटेगरी जो कि मैंने बताई उनसे है तो आपको कोई फ़ीस नहीं देनी होगी, लेकिन चंडीगढ़ में जहाँ आपको 800 रुपये फ़ीस देनी होती है, बस खाली एक जो है SC को ही जो है फ़ीस नहीं देनी होती वहाँ पे, सॉरी फ़ीस भी है उनकी भी 400 रुपीज़ है। अब है जो पोस्ट स्पेसिफिक सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस, तो आपकी एंटिटी है और PRT है उसके अकॉर्डिंग आपको जो है सब्जेक्ट कंसर्न में क्वेश्चंस जो पूछे जाने हैं वो टीचिंग मेथड्स और चाइल्ड साइकोलॉजी से इनसे रिलेटेड, और इसके अलावा जो है
और जो सिलेबस पे जो एक डिटेल वीडियो में जल्दी ही लाने वाली हूँ, और उसके अलावा जो किस तरीके से तैयारी जो यहाँ पे इस चैनल पे करवाई जाएगी और किस तरीके की वीडियो आपको देखने के मिलेंगे, और अगर आप अभी से तैयारी जो में जुटे हुए हैं तो इससे पहले के जो वीडियोस मेरे चैनल पे हैं तो आप उनको भी देख सकते हैं, जो चाइल्ड साइकोलॉजी वहाँ पर आपको मिल जाएगी। इसके अलावा आपको जो है टीचिंग मेथड्स, इन सभी के वीडियोज़ आपको देखने को मिलेंगे वहाँ पर। आप आराम से जो है टेस्ट अपने लगा सकते हैं वीडियोज़ के थ्रू। तो आज के लिए इतना ही। तो वीडियो कैसे लगी ज़रूर बताएं, लाइक करें, शेयर करें, कोई भी कमेंट हो सॉरी आपको कोई भी क्वेरी हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। उसके अलावा आप मेरी जो ईमेल आईडी है वहाँ पर आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, कोई भी क्वेरी हो तो मैं आपकी जो है ज़रूर सॉल्व करूँगी, तो मुझे रिलेवेंट लगेगा तो मैं ज़रूर रिप्लाई भी करूँगी। तो ये है मेरी ईमेल आईडी, इट इज़ neha30@gmail.com, इस पर आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। और इसके अलावा जो मेरा टेलीग्राम का चैनल है आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, उसके अंदर जो डिस्कशन का एक मैंने जो ग्रुप बना रखा है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर वहाँ से आप मुझे जो है डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं, कोई भी आपकी क्वेरी हो, कुछ भी पूछना हो तो मैं आपका ज़रूर जो है रिप्लाई करूँगी। और इसके अलावा जो पहली बार अगर इस चैनल पर आए तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको रोज़ आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन जो है टाइम पर मिल जाए और सबसे पहले आप वीडियोज़ देख सकें। सो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करके जाएँ, शेयर कर दें।